तो राजेंद्र, गंगा सवेरा में सबसे पहले उत्तराखंड में बचे घमासान की भूचाल की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड में एक बार फिर सियासी उठापटक देखने को मिल रही है। जी हां, धामी कैबिनेट का हिस्सा रहे मंत्री हरक सिंह रावत पर बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। हरक सिंह रावत को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेताओं से हरक सिंह रावत ने मुलाकात की थी, जिसके बाद से उन पर ये कार्रवाई हुई है। और तो और, हरक सिंह रावत को भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। अब आप ये समझ सकते हैं कि हरक सिंह रावत से भाजपा की नाराजगी किस कदर हो चुकी है। बिल्कुल, और आपको बता दें कि हरक सिंह रावत अपने पुत्र वधु अनुकृति के लिए टिकट की मांग लगातार कर रहे थे, पर बीजेपी अलकमार ने हरक सिंह रावत की बहू को टिकट देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद से वो खफा बताए जा रहे थे। उसके बाद ये जानकारी मिली कि कांग्रेस के तमाम नेताओं से वो लगातार मिल रहे हैं, मुलाकातों का सिलसिला चल रहा है, जिसके बाद बीजेपी ने यह कदम उठाया है, निष्कासित कर दिया है पार्टी से 6 साल के लिए, और साथ ही साथ कार्रवाई हुई है। ये बड़ी जानकारी, सियासी भूचाल किस तरीके से उत्तराखंड में आ गया है, अब देखिए। तो अभी दिल्ली में ही है हरक सिंह रावत, आज अपनी बहू के साथ कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, ऐसी खबर है। हरक के कांग्रेस में शामिल होने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है और उनके अगले कदम पर सबकी निगाहें, सबकी नजरें टिकी हुई हैं। लेकिन ये बड़ा एक सियासी एक एक्शन हुआ कल, जब हरक सिंह रावत को न सिर्फ मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया गया बल्कि भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से 6 सालों के लिए निष्कासित कर दिया गया। और ये खबर लगातार हम आपको बता रहे थे कि लैंसडाउन से वो टिकट मांग रहे थे अपनी बहू अनुकृति गोसाई के लिए, और इस पर इकरार चल रही थी, और पार्टी के जो सिटिंग MLA हैं उन्होंने भी पार्टी छोड़ने की तैयारी कर ली थी। बहुत कुछ घटा, अमित शाह से बात तक हुई, लेकिन फिर आखिर में ये एक्शन ले लिया गया। दीपा, बिल्कुल। और दिलीप रावत जो सिटिंग MLA हैं राजेंद्र, लैंसडाउन से, वो बार बार ये कहते रहे कि अगर हरक सिंह रावत की बहू को टिकट दिया जाता है तो उनके पास भी ऑप्शन बहुत सारे हैं, वो भी ऑप्शन की तलाश में है। अब देखिए इसको लेकर आगे क्या होता है, अगला कदम क्या होगा हरक सिंह रावत का, इस पर भी लगातार नजर है। सवाल तो उठेंगे ही, देखिए अगर कांग्रेस में हरक सिंह जाते हैं तो क्या वहां पर मन माफिक उनको दिया जाता है, जिसकी वो लगातार मांग भी कर रहे हैं। क्या हरक सिंह, कांग्रेस सिर्फ हरक सिंह को टिकट देगी ये भी कहा जा रहा है, या फिर उनकी पुत्र वधु को भी मैदान में उतारा जाएगा कांग्रेस की तरफ से, अगर वो कांग्रेस में जाते हैं तो। और साथ ही साथ कई सारे सवाल है जो खड़े हो रहे हैं। अगर कांग्रेस में हरक की बात नहीं बनी तो क्या होगा, ये एक सबसे दिलचस्प सवाल है, क्योंकि कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है हरक सिंह रावत के कांग्रेस ज्वाइन करने की। आज चर्चाएं जरूर है लेकिन इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। अगर वो कांग्रेस में जाते हैं तो फिर किन शर्तों पर जाएंगे, अगर उनकी शर्तें जो भाजपा के साथ रही हैं वही कांग्रेस आला कमान के सामने रहे, या कांग्रेस के जो इस वक्त चुनावी कैंपेन के प्रमुख हैं हरीश रावत उनके सामने रहे, जो कि RR की बात हम सब लोग जानते हैं, तो फिर क्या कांग्रेस उन्हें अपने वहां जगह देगी, ये भी बड़ा सवाल है। तो बहुत दिलचस्प ये सब कुछ हो चला है इस एक्शन के बाद, जिसमें उन्हें कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया गया और भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 सालों के लिए बर्खास्त किया गया, निष्कासित किया गया। ये सियासी सफर हमने आपकी स्क्रीन पर रखा है। 2002 में लैंसडाउन से ही विधायक बने, 2007 में विधानसभा में नेता विपक्ष बने, इसके बाद 2012 में उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। बिल्कुल, और जैसे ही कल हरक सिंह रावत को बर्खास्त करने की खबर आई राजेंद्र, तो एबीपी गंगा से तमाम दिग्गजों ने बातचीत की, उत्तराखंड के तमाम बड़े लीडर से हमने बातचीत की, बीजेपी के भी, कांग्रेस के भी। कांग्रेस वालों ने कहा कि ये उनका अंदरूनी मसला है, लेकिन बीजेपी वालों ने ये कहा कि महत्वाकांक्षाएं लगातार बढ़ रही हैं हरक सिंह रावत की, जो पार्टी के लिए ठीक नहीं है, और सिर्फ उनके कहने भर से उनको जो वो चाह रहे हैं वो दिया नहीं जाएगा, जो पार्टी के लिए सही होगा उस पर फैसला आगे लिया जाएगा। अब हरक सिंह रावत का क्या होगा, भविष्य कहां पर वो तलाशते हैं, ये भी कहा जा रहा है, खबरें ये भी आ रही हैं कि तीसरे विकल्प के बारे में वो सोच रहे हैं। अभी तक तो खबरें ये थी कि कांग्रेस में वो जा सकते हैं, लेकिन बीच में खबर ये भी निकल करके सामने आई कि तीसरे विकल्प के बारे में भी हरक सिंह रावत सोच रहे हैं।